हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका का आकलन नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकलन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में हमें बदलना है, तो 5/10 है तो इसका होगा 0.5। नेक्स्ट है 35/100, तो 0.35। नेक्स्ट आपके पास है 349, तो 349 ऐसा और 0.349। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो 5 मिश्रित भिन्न लिखना है, तो 5 सही 1/10। यहाँ पे 9.8 है तो 9 सही 8/10। यहाँ पे 7 है तो 7 सही 8/10। 7.8 था, 7 सही 8/10। नेक्स्ट भिन्नों की तुलना करके हमको चिन्ह का प्रयोग करना है, तो 5/10 और 5/100, तो बड़ा कौन सा होगा इसमें से, 5/10। नेक्स्ट 0.04 और 0.04, तो 0.4 बड़ा होगा। 0.06 और 0.6 साठ में से 0.7 बड़ा है, इसमें से 0.7 बड़ा है। 0.10 और 0.1 सेम है, 0.7 और 73, तो 73 इसमें से बड़ा है। नेक्स्ट नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को भाग करें, हमें भाग करना है तो 6 में और 2 का, तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.9 और यहाँ पे हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.9। यहाँ पे भी कितना आएगा, 0.9। नेक्स्ट है इसका दी गई मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना है, तो 11/77, 77/78, 78/11, 15/90, 90 में हम 7 जोड़ेंगे तो 97/6, 35 को 3 से गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो 3 × 5 = 15/5, हासिल लगे 1, 3 × 9 = 10, तो कितना आया, 3 × 5 = 15/5, हासिल लगे 3 × 9 = 105 आया, और 105 में हम 2 जोड़ लेंगे तो 107/3। 12×5 = 60, 60 × 3 = 63/60, 5, 7×42, 420 और 1 421/7, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4×9 = 36, हासिल लगेगा 3, 4×3 = 12 और 3 = 15, 156 आएगा, 156 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 159/4। नीचे देखिए गए प्रश्नों को हल करना है, 8/9 है हमारे पास, गुणा में आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 1/2, तो 2×2 = 4 कटेगा तो कितना आएगा, 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो -2/9 इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है इधर, तो 4 ऐसा कैसा लिखिए, पहले तो इनटू में है, 1/3 है हमारे पास, भाग की है तो भाग को गुणा में चेंज होता है और ये 3/1 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया तो 1 कितना बचा, 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट 1/3 इनटू में बदलूंगी तो 4/3 हो जाएगा, इधर गुणा का निशान है, 1/2 इनटू में बदलूंगी तो 7/7 रहेगा, तो 7 से 7 तो कट हो जाएगा, हाँ, और 2 से काटूंगी, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2/9 इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2/9। नेक्स्ट है 1/5 हमारे पास है, प्लस करना है, 1 है हमारे पास, इनटू में करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, 1/5 प्लस 4/3 15, 3×3 = 5, 20 = 23, 23/15।